प्लीज ज गेव जड जोडियन वॉम वेलकम टू सिद्धांत जैन सो दिस इज दिश सिंत यूर वॉचिंग संदीप महेश्वरी शो प्लीज है सर आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो आपका जो लास्ट सेमिनार वाला वीडियो था उसके आप डीवीडी देते थे फ्री में में घर पे राइट right. तो तो उस समय मैं 11 क्लास में था 2013 की बात है शायद तो मैंने आपकी वेबसाइट हैक करी पांच सौ से ज्यादा डीवीडी मैंने मेरे घर पे डिलीवर्ड कराई थी अच्छा तब से आप अगर अभी भी चेक करेंगे आपका डेटाबेस तो वहाँ पे भोपाल के एड्रेस में आप देखिए कितनी डिलीवरी हुई है उस डीवीडी की आप लोगों को पता नहीं होगा वो एक जमाना होता था जब डीवीडी नाम की एक चीज होती थी ने देखी है डीवीडी अरे कहां देखी कहा देखी होगी कहा देखी देखी है पापा की पापा की की शादी शादी में उसमें ढूंढा अपने आपको और कंग्रेचुलेशन मैंने भी आपके चैनल पे देखा अभी आई थिंक आठ नौ महीने पहले ही आपकी है नवंबर साल हुआ वाइफ भी आए साथ में कॉन्ग्रेचुलेन <laughs> अब मेरे को आप ये बताओ कि मैंने आपके चैनल पे देखा कि आपने पिछले आठ नौ महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है उसके पीछे क्या रीजन है क्यों आप नहीं कर रहे अपलोड कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पे मेरे काम चल रहे हैं एक बार मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा तो या वैसे भी मेरा यूट्यूब पार्ट टाइम ही है मुझे सब्सक्राइबर मिल गए तो मुझे उसको यूज करना है उसको वेस्ट नहीं करना है कि मैं दिन के दस, -दस वीडियो बनाने लगूँ चार मिलियन सब्सक्राइबर है तो ऑटोमेटिकली अर्निंग आने लगी मेरी जो वेबसाइट हाँ। है फास्ट में उसको मैंने पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करा है पच्चीस लोगों का स्टाफ है तो अच्छा। जो बल्क एस है उसको मैं एक प्रोफेशनल तरीके से ले जा रहा हूँ अभी तक बल्क एस क्या होता था कि हर कोई आपको फोन करके बेचता है तो मैंने पूरा ऑटोमेटेड ए आई सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर बल्क एस लिखेंगे गूगल में पूरे इंडिया में तो टॉप थ्री ऑर्गेनिक रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आएगी उसमें दिन के बीस के आसपास का ट्राफिक है तो इतने यूजर ऑटोमेटिकली मेरी साइट पर आएंगे वो करेंगे करते से उनको एक आपके घर में शादी है आप सौ रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्ट करो पेटीएम से नेट बैंकिंग से ऑनलाइन गेटवे लगाए वॉलेट में पैसे आएंगे हर एसएमएस का हम आपसे बीस पैसा चार्ज करेंगे और सबसे बड़ी है इस में यह होता है कि आपको इकट्ठे खरीदने पड़ते हैं एक करोड़ दस लाख पांच लाख मैंने बोला कि नहीं मुझे रिटेल करना है इसको होलसेल बेचूंगा ही नहीं मैं तो दस दस बीस बीस रुपए में लोग खरीद रहे हैं मुझसे और हैं। आपकी कितनी सेल्स हो जाती है महीने की यहाँ से मंथली टर्न ओवर मेरा फिफ्टी सिक्सटी लाख के आसपास अभी है इस बिजनेस पचास साठ हाँ लाख मतलब साल का पांच छह करोड़ रुपए का आपसे कर रहे हो इसीलिए तो बन रही तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है मतलब आई यू थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स ऑलो या फिर यही अपना जो वाला, है वाला वाला बिजनेस तो पूरा ऑटोमेट हो गया मुझे हाँ। उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है आपका जैसे इमेजेस ऑटोमेशन में चलता है मैंने एस वाला बिजनेस ऑटोमेट कर दिया हुँ। तो हुँ। टीम सब कुछ मैनेज कर लेती है तो हम एक नए टूल पर काम कर रहा हूं जैसे डिजिटल मार्केटर्स हैं बहुत सारे लोग तो उनको क्या जैसे रैंकिंग मेन फैक्टर है मतलब अगर आपको इंटरनेट पर सर्वाइव करना है तो आपकी रैंकिंग होना चाहिए गूगल के अंदर तभी लोग आपको जानेंगे तो उसके अंदर हमने एक टूल बनाने का हम ट्राई कर रहे हैं ए हमारे खुद के वेब क्लॉरल्स बनाएंगे हम लोग तो वो लोग क्या करेंगे हर वेबसाइट के अंदर जाएंगे हर वेबसाइट के अंदर जाके जो टॉप जैसे आप लिखा बल्क ट्वेंटी वर्ड्स हैं इमेजेस हैं टाइटल है वीडियो है डिस्क्रिप्शन है क्या क्या है हर वेबसाइट का कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी वेबसाइट का एक एवरेज निकालेंगे तो उससे हमको यह पता चलेगा कि अगर आपको रैंक करना है तो यह कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है तो आप अगर एक नया आर्टिकल लिख रहे हो नई ऐप बना रहे हो आप रैंक करो तो आपको इतनी चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी आपके अंदर तब जाके आप उसको रैंक कर पाओगे तो इस तरीके हम कुछ टूल्स बना रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटर लोग यूज करेंगे उनकी वेबसाइट रैंक कराने के लिए या वो उनका जो बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का चलता है उसको यूज करने के लिए उसको बेनिफिट करने के लिए कि कैसे हम जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उससे अब जाए अब यहां पे बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में वो एक एक लाख रुपए महीना लेते हैं सिर्फ उस टूल को यूज़ करने का hmm. तो फिर मुझे अब दस दस रुपए के लिए नहीं भागना है मुझे सिर्फ एक हज़ार कस्टमर चाहिए बस साल भर के जो मुझे एक दो पाँच लाख रुपए महीना देंगे मेरा ऑटोमेशन में बिजनेस स्टार्ट रहेगा और सर्विस की बस मुझे बेनिफि बढ़ाना है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो इतनी बार मुझे घुसना है वेबसाइटों में तो वो एक बार पूरा सिस्टम बन गया तो वो एक ऐसा टूल हो जाएगा जो कि सारे टूल जितने भी चल रहे हैं सबका एक मिक्सचर रहेगा और जो डेटा क्वालिटी रहेगी वो रियल टाइम रहेगी आपको बस सर्च करना है आपको पाँच मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी सौ पेज की आप उसको बैठ के एनालाइज करके आगे का काम कर सकते हैं बेसिकली देखो ये क्या कह रहे हैं

रेवेन्यू अब इसमें कॉस्ट ना के बराबर होती है क्योंकि एक बार एक एप्लीकेशन बन जाती है तो सिर्फ उसको अपग्रेड करने की कॉस्ट आती है जो कि बहुत ही नॉमिनल होती है तो ये जो पांच करोड़ रुपए महीने का आएगा यानी साल का साठ करोड़ रुपए आएगा ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट है मतलब ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट नाइन परसेंट इनका प्रॉफिट होगा तो आपका जो मैक्सिमम टाइम है और प्लस नहीं किया तीन चार भर साल रहा हूं है इंटरनेट रखोगे तो डेटा भरने में टाइम लगेगा क्योंकि जो कंपनी टॉप पे है उसके पास पहले दस साल का डेटा है हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप बताइए कौन है आप में से जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इनसे सर आपने जैसे कि आपको फॉलो करता हूँ तो आप अपनी सेशन में कहते थे कि डेली कुछ अलग सीखो तो उस टाइम पे मैंने YouTube पे ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या देखूं तो तब मैंने YouTube पे ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ के चैनल पे पहुंचा तब सर मैंने आपके डेली एक वीडियोस एक दो वीडियोस देखनी स्टार्ट की मैं कुछ ना कुछ कभी जीएसटी के बारे में सीख रहा हूं कभी मैं डेबिट कार्ड की इनफॉर्मेशन ले रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की मैंने ऐसे सीखता गया बट एक टाइम आया आपने वीडियो डालनी स्टॉप कर दी ठीक है आपका जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आता है लेकिन आप यूट्यूब पर उन बच्चों के लिए भी तो फोकस करिए जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं जिनको है कि है नहीं नहीं, नहीं मैं डिलीट ही कर दिया तीस तीस दिन लग जाते हैं एक एक वीडियो बनाने में क्योंकि वो रिसर्च उस लेवल की करना पड़ती है अब बनाने में तो वीडियो क्या है दस मिनट लगेगा कुछ भी बोल के बना दूंगा लोग देख लेंगे खत्म हो जाएगा बट मेरे को मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी कि जो वीडियो बनाया आपने दस मिनट मुझे दिए उस दस मिनट में आपका क्या मतलब फायदा हुआ तो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा हो जाता है कि वीडियो रिसर्च करने में टाइम लग रहा है उसके बाद फिर शूट करके फिर उसको एडिट करके बट उसको भी अब मैं धीरे धीरे ऑटोमेट कर रहा हूँ मेरे बिजनेस की तरह मुझे सिर्फ जाना है रिकॉर्ड करना है ऑटोमेटिकली फिर वो सारी टीम उसको मैनेज करके वो करेगी तो रिसर्च पार्ट मेरे पास ही रहता है एडिट पार्ट भी अभी मेरे पास ही रखा है मैं और किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि अगर मैंने वीडियो बनाया वो जो अच्छी चीज़ थी उसने काट दी फिर मैं उसको बोलूँगा उसको वापस एड करो इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा बारह तेरह घंटे और लगेंगे मैं खुद ही उस वीडियो को एडिट करके खुद ही उसको ऑटोमेटिकली उसको अपलोड करूँगा तो अब धीरे धीरे हो सकता है अब संदीप मेश्वरी सर से डायरेक्ट पर्सनल मीट हो गया मेरा तो हो सकता है मोटिवेशन इतना आ जाए कि मेरे वीडियो आने स्टार्ट हो जाए डेली आएंगे आप चिंता <laughs> मत करो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे hmm. कि अभी अगली वीडियो कौन सी आपकी आने वाली है जिसके ऊपर आप रिसर्च करो जिसमें आप कह रहे हो अब कि आपसे बताना नहीं चाहिए, चाहिए क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ वो वीडियो आता नहीं है सर अब तो जरूर बताना चाहिए क्योंकि अगर आप बता दोगे तो ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि अब तो मेरे को डालना ही प्रेशर से मुझे डर लगता है <laughs> कोई बात नहीं एक्चुअली so अभी मेरे रिसर्च करके रखी एक तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बनाना है। जैसे मैंने शेयर मार्केट का बनाया वो लॉन्ग टर्म टॉपिक है एक बार बन गया दस बीस साल छुट्टी ऐसा ही मैंने एक बनाया कि बैंक में पैसे नहीं रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है अच्छी खासी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि एक बार बन गया तो वो सामने वाला भी सोचे कि ऐसा टॉपिक भी हो सकता है कुछ कि लोग इस पर भी वीडियो बना सकते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म चले लेकिन इसमें नया क्या है आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना चुके हैं हजारों वीडियोज हैं और बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज हैं तो इसमें अलग क्या है वॉट इज द डिफरेंट थिंग अलग ये रहता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, तो ट्वेंटी जो हैं, पहले वो सारे मैं खुद देखता हूँ तो कि किसी एक वीडियो में कुछ अच्छा होगा कि दूसरे वीडियो में अच्छा होगा और मेरे वीडियो में सबका कंपाइलेशन सबका मिक्सचर और फुल रिसर्च उसके साथ में वीडियो बनाता हूँ वही मैंने बोला एक बार किसी ने मेरा वीडियो टॉपिक पे देख लिया उसके बाद वो दूसरे वीडियो को स्किप ही कर देगा बोलेगा कि इससे अच्छा तो कोई बता ही नहीं रहा है मैं इसका वीडियो क्यों ना दैट्स गुड जी आप समझे ना ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है जो सब कर रहे हैं इनकी थॉट प्रोसेस को से समझने की कोशिश करो ही इज ट्राइंग टू डू इज अगर म्यूचुअल टॉप ट्वेंटी कौन सी है राइट hmm. right? और वो देखेंगे क्या क्या अच्छा है पहले तो उसको कवर करेंगे प्लस जो गैप है यानी जो उन्होंने नहीं किया है उसको भी कवर करेंगे जिससे कि आपको बीस वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी एक ही वीडियो में आपका जो काम है वो हो जाएगा आपकी जो सक्सेस है जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस में, यूट्यूब पर या और जो उसमें के, आप कुछ बोलना चाहेंगे इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू मतलब आपको इतने पास से भी देख लिया मतलब जीवन सफल हो गया अरे वाह रोल वही बताएंगे मैं क्या बताऊँ मैं अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोग कब से से साथ में है वर्को हाँ। तो तो हॉलिक कुछ कुछ है, है बहुत। मतलब कुछ नहीं दिखता मैं भी नहीं दिखती जब काम करने बैठते हैं तो कोई नहीं दिखता तो वो चीज अच्छी लगी दूसरा डेडिकेशन जिस चीज में अगर वो मुझे टाइम दे रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन होता है काम में टाइम दे रहे हैं तो उसमें पूरा डेडिकेशन होता है तो ये चीज बहुत अच्छी लगी एक फन फैक्ट भी है जब तो कुछ टाइम ऐसा था मेरा कि मैं इनको टाइम ही नहीं दे पाता था मुझे कुछ होगा तो मैंने कर दिया, सारे जो 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 आप मुझे कर ई <laughs> <बोला, साँ>, <laughs> करना मेल करने के बाद आपको रिप्लाई मिलेगा लेकिन ये चीज है की जब वेबसाइट डेवलप हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा फिर अरे वाह क्या बात थे थे। बहुत, जाए। बहुत, जाए। बहुत जाए। आप तो ईमेल नहीं करना पड़ता आपको अब आप मैं भी ऑफिस जाती हूँ हम लोग साथ, तो साथ आप में ही हैं तो ईमेल का पासवर्ड भी पता होगा आपको तो हम साथ में ही रहते हैं तो उस उस टाइम तो वर्क रहता है बट जैसे शाम को उसके बाद पूरा टाइम फिर मेरा है हाँ ये बैलेंस बहुत जरूरी है नहीं तो गड़बड़ होगी वीडियो देखे इसके ऊपर भी चलो मेरी वीडियोज का कुछ दूसरी तरफ से भी बेनिफिट हो रहा है आपने कौन सी वीडियो देखी है मेरी वो लव एंड रिलेशनशिप समथिंग कुछ एक वीडियो आया था हाँ हाँ हा। कि आप दिमाग से सोचो हाँ वो उसके खूब डायलॉग भी मैंने इनको मारे हैं <laughs> 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 वो लाइक like कि आपके ब्रेन में होता है और लव कुछ नहीं होता उसमें एक चीज आपने बोली थी कुत्ते को भी दस दिन रखो तो उससे भी प्यार हो जाता है <laughs> <laughs> वो <laughs> तो माइंडसेट अभी भी है दिमाग में कि प्यार कुछ नहीं होता है अटैचमेंट होता है लव इज बेसिकली केयरिंग है लोग हाँ। लव को कुछ कुछ और ही समझते और ही हैं वो और आपका कोई भी वीडियो आता है तो हम लोग दोनों साथ में देखते हैं मतलब मैं पहले से देखती थी फिर ये भी देखते थे तो आप साथ में देखते हैं बहुत बढ़िया सर मैं आ, बेसिकली मेरे फादर भी बिज़नेस कर रहे हैं वो जो है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह पे आ, बिलीव नहीं करते उन्हें कोई भी चीज़ कहते तो कहते हैं ऑनलाइन क्या होता है ऑफलाइन हो रहा है ऑनलाइन क्या करना तो उन्हें मैं कैसे आ, मोटिवेट करूँ ऑनलाइन बिज़नेस की ओर एक ऑप्शन है कि आप मेरी वीडियो दिखाओ दूसरा ऑप्शन है कि ये वाली जो वीडियो है आज की हमारी ये वाली वीडियो दिखा सकते हो क्योंकि इसमें अभी देखा ना इन्होंने क्या कमाई की बात करी है इसीलिए मैं सर ऑनलाइन बिजनेस की ओर रहा था कि फादर को कमाई तो समझ आएगी उनको ये समझ नहीं आएगा कि ऑनलाइन कैसे होगा क्या होगा बट ये समझ आएगा कि ऑनलाइन में कमाई अच्छी होती है होती है नहीं होती है मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ ऑफलाइन से सब ठीक ठाक हो रही है अच्छी होती है अच्छी हो रही है तो सर से मैं सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक वीडियो ऐसा डालो की ऑनलाइन पता चले जो पुरानी जनरेशन है उन्हें जल्दी से नहीं समझ आता कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे हम देखें

उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में मेरा जवाब यह है कि अभी बहुत जल्दी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे आने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स करे हैं यानी कि अब ये जो मेरी सीरीज है मीट वाली ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इसकी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज होने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर अभी तक यहां पर यूट्यूबर्स आते थे अब यहां पर आएंगे स्टार्टअप के फाउंडर्स ऑन्टरप्रिन्योर्स बिजनेसमैन

क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर हजारों प्लेयर्स हैं बट इन्होंने क्या किया अपनी एक नीच को आइडेंटिफाई किया एक पर्टिकुलर गैप को देखा उस गैप पे फोकस किया बाकी लोग क्या कर रहे हैं कॉपोरेट्स को सेल कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को शादी के लिए पांच सौ एस एम एस भेजने तो वो भी अगर आएंगे बल्क पे तो सीधा आपके यहाँ पे आएंगे, सीधा आएंगे और वो ज्यादा पे भी कर देंगे उनको चाहिए उनका अमाउंट छोटा है ना तो उनको महंगा भी दोगे तो ले लेंगे आपने कितने पैसे से शुरू किया जब अपना ये एसएमएस वाला काम शुरू किया था एक हजार डोमेन खरीदा था और होस्टिंग खरीदी एक हजार की डोमेन और होस्टिंग एक हजार शुरू किया था कितने साल पहले दो हजार ग्यारह दो हजार ग्यारह में शुरू किया था यानी ग्यारह साल पहले आपने शुरू किया था आज इनकी कंपनी की टर्नओवर है पिछले साल की आठ करोड़ के आसपास और अगर ये जो दूसरा बिजनेस प्लान के बारे में सोच रहे हैं अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो और बढ़ जाएगी तो आप समझ रहे हो बिजनेस क्या होता है ये जो हमारे माइंड में फंडे घुसे हुए हैं ना उसको निकालो हमारे माइंड में क्या घुसा हुआ है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है अभी ये जो आपकी नोशन है ये जो मिसकनसेप्शन है इन्हीं को हमने तोड़ना है मैं आपके इतने वीडियो देखिए जो मेरे अंदर मोटिवेशन आया है जब एकदम से मैंने कुछ बनाया सर्वर हैक हो गया कुछ हो गया तो मैं डाउन फिर आपके वीडियो देखता था वापस एनर्जी हो जाती थी फिर काम करने लगता था तो बहुत सपोर्ट आया हो सकता है कि यूट्यूब की चैनल भी मैंने आपकी वजह से स्टार्ट करी है और उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ अगर मैं बिजनेस कर रहा होता तो आज यहाँ पे नहीं होता हो सकता थैंक यू सो मच फॉर कमिंग